एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घर में खुश होंगे और सुरक्षित होंगे। तो आप सभी का मेरे चैनल राजीव मोम सोलन में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, दर्द होती है, सुई जैसी चुभ रही है, और फ्रेंड्स पेट में मेरी सुई जैसी चुभ रही है, दर्द हो रही है। तो फ्रेंड्स, आज सुबह मैंने काम निपटाया था किचन का, बस थोड़ी साफ़ सफाई की है। रोटी मैंने नहीं बनाई थी, रोटी चपाती राजीव ने खुद बना ली थी अपने लिए। मैं थोड़ा लेट उठी थी क्योंकि बच्चों को भी काम सीखना चाहिए, तो वो उसके ऊपर भी थोड़ी सी जिम्मेवारी भी डालती हूँ कि वो अपनी चपाती तीन चार भी पांच होती जितने भी होती है उसने खुद बनाएगा। और मैंने आटा गूंदा हुआ था, रात का ही रखा हुआ था आटा गूंद के, तो उसने बस सिर्फ अपने लिए चार पांच चपाती बनाई है जितनी भी उसने खानी होती है। सब्जी बनी हुई थी। और फ्रेंड्स, मैं नहा चुकी हूँ और अभी मैं कान्हा जी की पूजा कर लेती हूँ, उसको नहा ले देती हूँ, स्नान कर देती हूँ उसको। और फ्रेंड्स, आज मैं ज़्यादा काम और कुछ भी नहीं करूँगी, अपने सिलाई का काम करूँगी। कपड़े थे जो, वो मैंने सारे सूखने डाल दिए हैं क्योंकि रात को उठा दिए थे, इतने नहीं सूखे हुए थे तो मैंने बाहर डाल दिए हैं। और आपके साथ थोड़ी सी और भी टिप्स या कुछ भी मतलब किचन में होगा कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। और पर आज मैं अपने सिलाई का काम करूँगी क्योंकि बहुत तीन चार दिन गैप हो चुका है, बहुत सा काम करने को है। और फ्रेंड्स, मैं नहाकर अपना मेकअप कर चुकी हूँ क्योंकि देखो इसमें तो कोई पैसे नहीं लगते हमारे, एक ही बार लगते हैं तो लेते किस लिए, लगाने के लिए लेते हैं हम। जो भी हम लेते हैं क्रीम वगैरह काजल पिस्टिक तो मैं लगा चुकी हूँ, ऐसे भी अच्छा नहीं लगता कैमरे के सामने हम अपनी शक्ल गंदी सी लेके ऐसे हो जाए। और फ्रेंड्स, मैंने ये वाली फ्रॉक अपने तीन चार साल पहले ली थी और ये मैंने ऑनलाइन मंगाई थी, कलर इसका दूसरा मंगाया था और आ गया है दूसरा। पर मुझे उस टाइम इतनी समझ नहीं होती थी कि इसको वापस भी करना होता है। तो ये वाला है, ये वाली फ्रॉक। और फ्रेंड्स, ये वाली फ्रॉक ऐसी है मतलब आजकल तो ये मैंने ना गर्मी के लिए ली थी, पर ये गर्मी में नहीं डलती, गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है इसमें। फिर ये मैंने आजकल डाली हुई, थोड़ा सा मतलब ठंडा ठंडा सा कपड़ा है और मुझे ऐसी भी गर्मी लगती है तो मैंने ये डाली हुई। और फ्रेंड्स, अब मैं कर लेती हूँ काम और आपके साथ, आप भी ऐसे ही मेरे साथ बने रहें, सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। और फ्रेंड्स, मैंने कान में इसलिए नहीं लगाती ज़्यादा, इधर उधर जाती हूँ तभी लगाती हूँ क्योंकि मेरे कान में जख्म हो जाते हैं क्योंकि ऐसी भी वो है शुगर होने के कारण मेरे को ना यहाँ पे ब्लड आने लग जाता है, तो मैं नहीं लगाती कान में कुछ भी। और ऐसे और गोल्ड के मेरे पास है ही नहीं। और फ्रेंड्स, मैं आपके साथ कुछ और भी शेयर करती रहूँगी, ठीक है? ऐसे ही साथ बने रहे और थैंक यू सो मच आप सभी का। देखिए फ्रेंड्स, ये गैस के बर्नल है और ये कितने काले हो चुके हैं, अब इसको मैं साफ़ कर लेती हूँ क्योंकि ये काफ़ी टाइम हो गया साफ़ करने वगैरह मेरे को, तो इसको मैं साफ़ कर लेती हूँ। ये लिया है मैंने गर्म पानी और अब मैं इसमें डाल लेती हूँ सबसे पहले बर्नल ऐसे, ओ शिट, गर्मी पानी ये डाल दिए और ये डाल दूंगी इसमें मैं अब नींबू। दूसरा मैं थोड़ा सा डालती हूँ, अब मैं इसमें डालूंगी इनो का ये पैकेट। अब इसको हम 10-15 मिनट के लिए ऐसे ही रहने देंगे। गाइस, मैंने ये
रख दिया है इसमें ऐसे। मैं इसको बंद कर लेती हूँ इंडक्शन को पहले। गर्म है अभी, गर्म है ये, ऐसे हुए हैं अभी। अभी ऐसे ही रहने देती हूँ उसको थोड़ी देर के लिए। देखना फ्रेंड्स ऐसे हुए ये। और ये अब इसको थोड़ा थोड़ा और साफ कर देंगे। ये जो नींबू था इससे इसको थोड़ा थोड़ा और साफ कर दूंगी एंड चमक जाएगा फिर। ये हो गए हमारे बर्नर और ये तो पक्के दाग है, ये नहीं जाए बिल्कुल भी नहीं। और ये कि मतलब फिर भी अच्छे हो ही गए हैं, ये तो बिल्कुल ही काले थे ये और बहुत अच्छे वो हो चुके हैं। अब मैं इसको लगा देती हूँ और खाना भी बनाना है। अगर अभी मेरे पास टाइम ही नहीं है नहीं तो उसको मैं और भी साफ कर देती। ये वाला ऐसे देखो ऐसे चमका दिया है और ये वाला भी ऐसे ही चमका दिया है। ये भी कितना अच्छा जल रहा है। और ये अभी धोने को है, बस मैं गैस साफ ही कर रही थी।